दिसंबर की गर्मी। मनोरमा अपनी समधन नीलम से कहती है, बहन जी अब रिश्ता तो तय हो ही गया है, अब बस कुछ दिनों में बच्चों की शादी हो जाए। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, पंडित जी से बात कर लूंगी मैं, शादी का मुहूर्त आसपास का ही निकालने को कह दूंगी, अब शादी ब्याह जल्दी हो जाए वही अच्छा है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा बहन जी। अच्छा तो अब हम चलते हैं, अब तो रिश्ता जुड़ ही गया है, आना जाना तो लगा ही रहेगा बहन जी। इतना कहकर मनोरमा वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मनोरमा के बेटे आदित्य की शादी नीलम की बेटी निधि से हो जाती है। शादी के बाद निधि का ससुराल में पहला दिन था। सर्दियों का मौसम होता है, निधि अपने कमरे में आदित्य का इंतजार कर रही होती है, तभी आदित्य कांपते हुए आता है और निधि से कहता है, अरे बाहर कितनी ठंड है, पता नहीं किसका आइडिया था सर्दियों में शादी करने का। दुल्हनों का तो ठीक रहता है, इतना भारी भरकम शादी का जोड़ा पहन लेती है। लेकिन हम बेचारे लड़के जो ठंड से कांपते रहते हैं उनकी तो कुल्फी जम जाती है। इतनी तो ठंड हो भी नहीं रही आदित्य जी जितनी आप कह रहे हो, ये तुम्हें कोई कम लग रही है क्या? अरे मुझे तो कमरे में आने के बाद भी ठंड लग रही है। आप भी ना अजीब हैं, दिसंबर में किसी को इतनी ठंड कैसे लग सकती है भला? मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे तो लगती है भाई ठंड। अच्छा मैं मोटी वाली रजाई निकाल रहा हूँ, आधी रात तक तो और भी ठंड बढ़ जाती है ना इसलिए। अरे रजाई की क्या जरूरत है, मैं तो एक पतली सी चादर भी ना लूं, और आपको रजाई चाहिए, रहने दो ना आदित्य जी। नहीं नहीं मैं तो ला रहा हूँ, तुम देख लो तुम्हें जो करना है। आदित्य रजाई ओढ़कर सो जाता है और निधि भी पंखा चालू कर देती है, वो भी फुल। इतनी ठंड में आदित्य बेचारा पंखे के नीचे सोता है और उसे सर्दी जुकाम हो जाता है। आदित्य निधि को कुछ नहीं कहता पंखा चलाकर सोने के लिए, इसलिए अब निधि हर रोज पंखा चलाकर सोने लगती है। लेकिन आदित्य की तबीयत खराब हो जाती है। एक दिन आदित्य सुबह उठता है तो उसे बहुत गंदा जुकाम हो जाता है और नाक भी बंद हो जाती है। ये देखकर आदित्य की माँ मनोरमा कहती है, क्या हुआ आदित्य बेटा, तुझे इतना जुकाम कैसे हो गया? कितनी बार कहा है मैंने तुझे कि बाहर जाया कर तो कान ढक लिया कर, ऐसे मौसम में ही ठंड लगती है, और देख तुझे ठंड लग गई ना। माँ मैं अच्छे से बाहर जाता हूँ, लेकिन ये जुकाम ना मुझे निधि की वजह से हुआ है। बहू की वजह से जुकाम? अरे बहू की वजह से जुकाम कैसे हो सकता है तुझे? अब आपकी बहू को दिसंबर में जून जुलाई लगता है तो मैं क्या करूँ, फुल स्पीड पर पंखा चलता है, कितना भी ओढ़ लूँ कितना भी ढक लूँ कहीं ना कहीं से तो हवा चली जाती है और फिर ठंड लग जाती है। अरे ये तो बहुत गलत बात है बेटा, इतनी सर्दी हो रही है और बहू को गर्मी चाहिए, पंखा चला कर सोती है, देख उसकी वजह से तेरी तबीयत कितनी खराब हो गई। बस छोड़ो ना, अब दीदी की क्या गलती है, उसे तो शुरू से ही आदत है ना ऐसे रहने की, अब शादी के बाद परिवार पूरा बदल जाता है और हम भी उसे अपनी आदत बदलने को कह दे तो अच्छा नहीं लगता ना। अपने बेटे की बात सुनकर मनोरमा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी बहू की वजह से आदित्य की तबीयत खराब हो गई थी। इसलिए जब रात के समय सब सोने लगते हैं तो मनोरमा अपने बेटे के कमरे में जाती है। बेटा एक काम कर, तू जा मेरे कमरे में जाकर सो जा, मैं यहाँ बहू के साथ सो जाऊंगी। माँ जी ये क्या अचानक से आप मेरे साथ मेरे कमरे में क्यों, सब ठीक तो है ना? अरे बहू अब तेरी वजह से मेरे बेटे की तबीयत पर असर पड़ रहा है, मुझसे देखा नहीं जाता इसलिए बोल रही हूँ। आदित्य तू जा मेरे कमरे में आराम से सो जा, मैं यहाँ बहू के साथ सो जाऊंगी। माँ लेकिन आपको भी तो यहाँ ठंड लगेगी ना, आप कैसे यहाँ सो पाओगी? अरे सो जाऊंगी मैं, और मैं भी तो देखूँ बहू को कितनी गर्मी लगती है, साल का आखिरी महीना है और बहू ने गर्मी का महीना बना रखा है। चल तू जा अब सो जा, आराम से जा, हाँ मैं हूँ यहाँ। आदित्य अपनी माँ की बात मान लेता है और जाकर अपनी माँ के कमरे में सो जाता है। लेकिन यहाँ निधि के साथ सोकर मनोरमा की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि अब भी पंखा फुल स्पीड था। मनोरमा ठंड के मारे कांप रही थी और आधी रात को उठकर बाहर हॉल में जाकर सो जाती है। जब सुबह सब उठते हैं तो आदित्य और निधि मनोरमा को हॉल में सोते हुए देखते हैं तो आदित्य कहता है, माँ क्या हुआ अब ठीक तो है ना, आप तो कमरे में सो रही थी फिर आप यहाँ कैसे आ गई? हाय बेटा तू बहू के साथ कैसे सोता है, एक तो कड़ाके की वैसे ही सर्दी हो रही है, ऊपर से बहू ने कमरे में जैसे फ्रिज खोल दी, मेरी तो रात में ही तबीयत खराब हो गई। माँ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मत सो कमरे में, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, और देखो हो गई ना आप तबीयत खराब। और निधि माँ तुम्हारे साथ सो रही थी तो तुम थोड़ा कम पंखा नहीं रख सकती थी? अरे माँ जी को मैंने थोड़ी ना बोला था मेरे साथ कमरे में सोने के लिए, वो तो खुद ही आई थी ना,
गर्मी लगती है तो मैं क्या करूँ? मैंने इससे भी कई ज्यादा ठंडी देखी है, लेकिन इतने से ठंड में आपका ये हाल हो गया? मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, अब निधि के साथ कोई भी नहीं सोता, लेकिन जो कोई भी उसके साथ सोता उसकी तबीयत ही खराब हो जाती। ऐसे ही एक दिन सब लोग हॉल में बैठे थे, तभी वहाँ निधि आ जाती है और एसी चालू कर देती है, जिसके बाद मनोरमा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बहू ये क्या है, हम सब यहाँ बैठे हैं और तूने एसी चला दी, और वैसे ही तेरे साथ सोकर अब तक हमारी सर्दी दूर नहीं हुई और फिर तूने यहाँ एसी चला दी। अरे हमें क्या मानने का इरादा है तेरा? माँ जी, आप लोगों को अगर इतनी ठंड लग रही है तो आप लोग अपने अपने कमरे में चले जाओ ना, मुझे तो गर्मी लग रही है, अब मैं यहाँ एसी ना चलाऊं तो क्या करूं? लेकिन निधि, यहाँ तुम अकेले तो नहीं बैठी हो, यहाँ और भी बाकी सब लोग बैठे हैं ना, हम तुम्हें कुछ कहते नहीं तो तुम भी तो हमारे बारे में समझो कुछ। अरे बेटा, इससे कुछ भी बोलने का फायदा नहीं, इससे तो वही करना होता है जो इसका मन करता है। लेकिन माँ, हमें इसे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, वरना ये तो दिसंबर में हमें मार ही देगी, मुझे तो अब घर में भी चार चार कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे बहू को बोल देंगे तो वो जैसे मान ही जाएगी, है ना? तो मैं कल बहू की माँ को ही बुलाती हूँ, सीधा बहू की माँ से ही बात करूँगी। अगले ही दिन मनोरमा निधि की माँ नीलम को बुलाती है, और जब नीलम घर आती है तो मनोरमा नीलम से कहती है, और बताइए नीलम जी, कैसी है तबीयत आपकी, सर्दी जुकाम तो नहीं ना? नहीं जी, सब ठीक है, आप बताओ कैसी हो? बहन जी आप तो ठीक हो, लेकिन आप नहीं। अरे कैसी लड़की है ये, दिसंबर में से गर्मी लगती है, अरे हम लोगों को तो हर रोज सर्दी जुकाम हो जाता है, कुछ तो समझाओ। बहन जी तभी तो हमने इसकी शादी की है, अब 12 महीने बिजली का बिल भरो और इसे संभालो, दिसंबर में गर्मी तो बस इससे ही लगती है। अब तो बहू बन ही गई है तो झेलना ही पड़ेगा। मनोरमा जी को अब ऐसी बहू को ना चाहते हुए भी झेलना पड़ता है, जिसके बाद मनोरमा और आदित्य बस गर्मी के आने का इंतजार करते थे, क्योंकि तभी तो मुमकिन होता था निधि के पास बैठना।